हेलो गाइस, मिस्टर गेमर हियर। और आज जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि हमारा लॉकडाउन चल रहा है इंडिया में, तो उस टाइम जब तक चल रही है उसके बीच में हमें कौन सी नई जो गेम्स हैं एंड्रॉयड में वो ट्राई करनी चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 गेमें बताऊंगा। तो भाई लोगों, जैसे हम लोग जानते हैं कि डेली बेसिस पे एंड्रॉयड में जो है गेमें रिलीज़ होती हैं, और इसमें कई गेमें जो हैं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही मतलब यूनिक होती हैं। तो मैंने ऐसी 5 गेमें चूज़ करी हैं जो कि बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और 2-3 गेमें ऐसी हैं उसमें जो बहुत यूनिक हैं और हम सबको ट्राई करनी चाहिए। तो जैसे कि आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी बताऊंगा गेम्स, तो उसमें से 2 या 3 गेम्स ऐसी होंगी शायद आप जानते होंगे, बाकी 2-3 ऐसी होंगी जो आपने आज तक नहीं शायद खेली होगी। हाँ तो भाई लोग, सीधा चलते हैं नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारी कौन सी गेम है। तो भाई लोगों, यहाँ पे जो मैं सबसे पहले गेम आपको दिखाना चाहता हूँ वो है सेकंड गैलेक्सी, जो कि एंड्रॉयड में गेम है और इसका प्राइस फ्री है। भाई लोगों, ये गेम मैंने इसलिए चूज़ करी है क्योंकि मुझे ये काफ़ी यूनिक लगी। आप बोलेंगे भाई इसमें यूनिक क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है कि इसमें 1000 प्लेयर्स का जो है गैलेक्टिक बैटल्स होती हैं। हाँ भाई, 1000 प्लेयर्स की, और मेरे को काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। मतलब अवेलेबल नहीं है ये मोबाइल में ज़्यादा कि 1000 प्लेयर्स की बैटल हो और ये सब हो। भाई लोगों, दूसरी चीज़ ये है कि ये गेम एक स्ट्रेटजी गेम है और इसमें काफ़ी स्ट्रेटजी यूज़ होती है, और साथ ही साथ एक ओपन वर्ल्ड गेम भी है जिसमें आप देख सकते हैं कि अपना जो है शिप लेके आप कहीं भी घूम सकते हैं इसमें। बाकी जो है काफ़ी अच्छी लगी मेरे को गेम, और दूसरी सबसे बड़ी बात इसकी है कि इसके कंट्रोल्स वगैरह भी काफ़ी ईजी है और ईजी टू प्ले गेम है। तो इसको मेरे हिसाब से आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। भाई लोगों, यहाँ पे जो मैंने 4th नंबर पे गेम रखी है वो है 99 डेड पायरेट्स, और इसका प्राइस भी फ्री है। ये दोनों एंड्रॉयड और iOS में अवेलेबल है। भाई लोगों, ये जो गेम है ये बैड वर्ल्ड पे जो है हमारी गेम बनी हुई है, जैसे कोई बुरी दुनिया होती है उस पे गेम है ये हमारी। इसके ग्राफिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, मैंने खुद खेल के देखी थी ये, तो इसके ग्राफिक्स भी अच्छे हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी नया है। मेन इसमें जो आपको खेलना होता है वो अपने अटैक्स को टाइम करके मारना होता है, नहीं तो फिर सामने वाला एनिमी मार देता है। इसका गेम प्ले भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, मतलब फ्लुएंट है और काफ़ी यूनिक है। तो ये गेम भी आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। इसमें अगर मेन आपको फाइट गेम पसंद है, जैसे फाइट फाइट हो रही है, तो आपको काफ़ी अच्छी लगी ये गेम, तो मेरे हिसाब से आपको ये ट्राई करनी चाहिए। भाई लोगों, 3rd नंबर पे जो मैंने गेम रखी है वो है सीरीज M, और इसका प्राइस भी फ्री है। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है। तो इसकी जो मेन पार्ट है गेम का वो ये है कि स्ट्रेटेजी गेम है, जैसे हम इंडियंस को स्ट्रेटेजी गेम पसंद होती है, तो मैंने ज़्यादा वही पिक करी है। और इसमें गेट बैटल सिस्टम बहुत अच्छा है इस गेम का, और जो इसकी क्वालिटी है गेम की वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें सिनेमैटिक्स वगैरह भी है, छोटी छोटी वीडियोस वगैरह होती हैं वो भी हैं इस गेम में, और उसकी मतलब काफ़ी अच्छी है क्वालिटी। तो बाकी आपको फाइनल फैंटेसी टाइप की गेम पसंद है तो आपको ये पसंद आएगी। तो मेरे हिसाब से आपको भी इसको एक बार एक गो देना चाहिए, क्योंकि इसकी बैटल सिस्टम बहुत अच्छा है और इसमें सिनेमैटिक्स भी हैं जो कि यूजुअली मोबाइल गेम्स में नहीं होते हैं। भाई लोगों, मैं बताने जा रहा हूँ आज की 2 टॉप गेमें जो मैंने पिक करी, और इसमें सबसे पहली गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, जिसका प्राइस जो है मैं बताया फ्री है। तो इस गेम में जो मेन मैं कुछ बताया था आपको बातें, वैसे तो बताऊँगी। सबसे पहले तो ये इसके ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, और ये मतलब काफ़ी डाउनलोड हुई थी गेम जब आई थी, और काफ़ी चलती है गेम इंडिया में, और इसमें बहुत रेगुलर अपडेट्स आते हैं। और इसमें जो गेम मोड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे अमाउंट हुए हैं, जैसे कि टीम डेथ मैच हो गया और डोमिनेशन हो गया, और इसमें फैन फेवरेट मैप्स वगैरह भी होते हैं, और मतलब गन टू गन फाइट्स इसमें बहुत अच्छी होती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इस टाइप की गेम्स पसंद है तो आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को भी खेलना चाहिए ज़रूर, जो कि मेरे को लग रहा है आप खेल ही रहोगे। तो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है 2nd नंबर पर। हाँ तो भाई लोगों, हमारी चार्ट्स की नंबर 1 गेम अनडिस्प्यूटेड जो कि ज़रूर खेलनी चाहिए आपको लॉकडाउन में, वो है पबजी मोबाइल, जो कि प्राइस फ्री है इसका, और पिछले 2 साल से नंबर 1 चल रही है ये एंड्रॉयड में भी और iOS में भी। अब इसके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें जो है हमारे 100 प्लेयर्स का जो है बैटल रॉयल होता है, मैप होता है। इसमें मैप्स भी काफ़ी सारे हैं, और इसमें स्ट्रीमर्स भी हमारे इंडिया के काफ़ी खेलते हैं इसको। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूर खेलनी चाहिए आपको गेम, अगर आप पसंद नहीं करते तो भी आपको खेलनी चाहिए, क्योंकि आसपास आपके सारे लोग इसको खेल रहे हैं। दूसरी चीज़ है इसमें भाई लोग कि इसमें अपडेट्स भी रेगुलर आते रहते हैं, इसका खुद का पास, एक रॉयल पास सिस्टम है, और गेम काफ़ी फ्लुएंट है, अच्छी हो चुकी है अब। तो मेरे हिसाब से आपको इसको गो देना चाहिए। भाई लोग, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसी वीडियो तो और देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
तो भाई लोगों की ये थी आज की वीडियो। आप मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप आजकल कौन सी गेमें खेल रहे हैं। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।